श्रीमद्भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 6 देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुतियों से पूजित भगवान हरि उन सब के समक्ष प्रकट हो गए। उनका शारीरिक तेज एक साथ हजारों सूर्यों के उदय होने के समान था। भगवान के तेज से सारे देवताओं की दृष्टि चौंधिया गई। वे न तो आकाश, दिशाएं, पृथ्वी को देख सके, न ही अपने आप को देख सके। अपने समक्ष उपस्थित भगवान को देखना तो दूर रहा। शिवजी सहित ब्रह्मा जी ने भगवान के निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देखा, जिनका श्यामल शरीर मरकत मणि के समान है, जिनकी आंखें कमल के फूल के भीतरी बाग जैसी लाल लाल हैं, जो पिघले सोने जैसे पीले वस्त्र धारण किए हैं और जिनका समूचा शरीर आकर्षक ढंग से सज्जित है। उन्होंने उनके सुंदर मुस्काते कमल जैसे मुखमंडल को देखा, जिसके ऊपर बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मुकुट था। भगवान की भौहें आकर्षक हैं और उनके गालों पर कान के कुंडल शोभित रहते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने भगवान की कमर में पेटी, उनकी बाहों में बाजूबंद, वक्ष तल पर हार और पांवों में पायल देखे। भगवान फूल की मालाओं से अलंकृत थे। उनकी गर्दन में कौस्तुभ मणि अलंकृत थी और उनके साथ लक्ष्मी जी थी तथा वे चक्र, गदा इत्यादि निजी आयुध लिए हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी तथा अन्य देवताओं के साथ भगवान के स्वरूप को इस तरह देखा तो सब ने भूमि पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु अवतार के रूप में आपका प्राकट्य तथा अंतर्दान होना सदैव चलता रहता है। आप सदैव भौतिक गुणों से मुक्त रहते हैं और सागर के समान दिव्य आनंद के आश्रय हैं। अपने दिव्य स्वरूप में नित्य रहते हुए आप अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। अतएव हम आपको, जिनका अस्तित्व अचिंत्य है, सादर नमस्कार करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे परम नियंता, जो लोग सचमुच परम सौभाग्य की कामना करते हैं, वे वैदिक तंत्रों के अनुसार आपके इसी रूप की पूजा करते हैं। हे प्रभु, हम आप में तीनों लोकों को देख सकते हैं। सदैव पूर्ण स्वतंत्र रहने वाले मेरे प्रभु, यह सारा दृश्य जगत आपसे उत्पन्न होता है, आप पर टिका रहता है और आप में लीन हो जाता है। आपकी प्रत्येक वस्तु के आदि
मध्य तथा अंत हैं। जिस तरह पृथ्वी मिट्टी के पात्र का कारण है, वह उस पात्र को आधार प्रदान करती है, और जब पात्र टूट जाता है तो अंततः उसे अपने में मिला लेती है। हे परम पुरुष, आप अपने में स्वतंत्र हैं और दूसरों से सहायता नहीं लेते। आप अपनी शक्ति से इस दृश्य जगत का सृजन करके इसमें प्रवेश कर जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावना अमृत में बड़े चढ़े हैं, जो प्रामाणिक शास्त्रों से भली भांति परिचित हैं, और जो भक्ति योग के अभ्यास से सारे भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाते हैं, वे शुद्ध मन से यह देख सकते हैं कि आप भौतिक गुणों के रूपांतरों के भीतर रहते हुए भी इन गुणों से अछूते रहते हैं। जिस प्रकार काट से अग्नि, गाय के थन से दूध, भूमि से अन्न तथा जल और औद्योगिक उद्यम से जीविका के लिए समृद्धि प्राप्त की जा सकती है, उसी तरह इस भौतिक जगत में मनुष्य भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है या बुद्धि से आपके पास पहुंच सकता है। जो पुण्यात्मा है वे इसकी पुष्टि करते हैं। जंगल की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा जल प्राप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार हे कमलनाभ प्रभु, क्योंकि आप हमारे समक्ष अब प्रकट हुए हैं, अतएव हम दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें आपके दर्शन की दीर्घ काल से आकांक्षा थी, अतएव आपका दर्शन पाकर हमने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को पा लिया है। हे भगवान, हम विभिन्न देवता इस ब्रह्मांड के निदेशक आपके चरण कमलों के निकट आए हैं। जिस प्रयोजन से हम आए हैं, कृपया उसे पूरा करें। आप भीतर तथा बाहर से हर वस्तु के साक्षी हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, अतएव आपको किसी बात के लिए पुनः सूचित करना व्यर्थ है। मैं ब्रह्मा, शिवजी तथा सारे देवताओं के साथ साथ दक्ष जैसे प्रजापति भी चिंगारिया मात्र हैं, जो मूल अग्नि स्वरूप आपके द्वारा प्रकाशित हैं। क्योंकि हम आपके कण हैं, अतएव हम अपनी कुशलता के विषय में समझ ही क्या सकते हैं। हे परमेश्वर, हमें मोक्ष का वह साधन प्रदान करें जो ब्राह्मणों तथा देवताओं के लिए उपयुक्त हो। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब ब्रह्मा समेत सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो वे उनके वहां आने का प्रयोजन समझ गए। अतएव भगवान ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी में उन देवताओं को उत्तर दिया जो हाथ जोड़कर ध्यान पूर्वक वहां खड़े थे। यद्यपि देवताओं के स्वामी भगवान देवताओं के कार्यकलापों को स्वयं संपन्न करने में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहा। अतएव वे इस प्रकार बोले। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं
जो कुछ कहूंगा उससे तुम सबका कल्याण होगा। जब तक तुम उन्नत नहीं हो पा रहे हो, तुम सबको दानवों तथा असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल चल रहा है। हे देवताओं, अपना हित इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से संधि भी करनी पड़ सकती है। अपने हित लाभ के लिए मनुष्य को सर्प तथा चूहे के तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुरंत ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिसे पीकर मरणासन व्यक्ति भी अमर हो जाए। हे देवताओं, क्षीर सागर में सभी प्रकार की वनस्पतियां, तृण, लताएं तथा औषधियां डाल दो। तब मेरी सहायता से मंदर पर्वत को मथानी तथा वासुकी को मथने की रस्सी बनाकर अविचल चित्त से क्षीर सागर का मंथन करो। इस तरह से दैत्य गण श्रम कार्य में लग जाएंगे, किंतु तुम देवताओं को वास्तविक फल समुद्र से उत्पन्न अमृत प्राप्त होगा। हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि कोई क्रोध से विक्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतएव असुर गण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। क्षीर सागर से कालकूट नामक विष उत्पन्न होगा, किंतु तुम्हें उससे डरना नहीं है। और जब समुद्र के मंथन से विविध उत्पाद प्राप्त हो तो तुम्हें उनको प्राप्त करने के लिए न तो लालच करना होगा, न ही उत्सुक होना होगा और न ही क्रुद्ध होना होगा। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, देवताओं को इस प्रकार से सलाह देकर समस्त जीवों में श्रेष्ठ स्वच्छंद रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष से अंतर्धान हो गए। तब भगवान को सादर नमस्कार करने के बाद ब्रह्मा जी तथा शिव जी अपने अपने धामों को लौट गए। फिर सारे देवता महाराज बलि के पास गए। दैत्यों में सर्वाधिक विख्यात महाराज बलि भांति जानते थे कि कब संधि करनी चाहिए और कब युद्ध करना चाहिए। इस तरह से यद्यपि उनके सेना नायक विशुद्ध थे और देवताओं का वध कर देना चाहते थे, किंतु जब महाराज बलि ने देखा कि सारे देवता उनके पास आक्रामक प्रवृत्ति त्याग कर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सेना नायकों को मना कर दिया कि वे देवताओं को मारे नहीं। देवगण विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पास गए और उनके निकट बैठ गए। उस समय बलि महाराज की रक्षा असुरों के सेना नायकों द्वारा की जा रही थी और वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने सारे ब्रह्मांडों को जीत लिया था। अत्यंत बुद्धिमान एवं देवताओं के राजा इंद्र ने बलि महाराज को विनीत शब्दों से प्रसन्न कर लेने के बाद उन सारे प्रस्तावों को अत्यंत विनय पूर्वक प्रस्तुत किया, जिन्हें भगवान विष्णु ने उसे सिखलाया था। राजा इंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों को बलि महाराज ने उनके सहायकों ने, जिनमें शंबर तथा अरिष्ट नेमी प्रमुख थे, एवं त्रिपुर के अन्य सारे निवासियों ने
तुरंत ही मान लिया। हे शत्रुओं को दंड देने वाले महाराज परीक्षित, तब देवताओं तथा असुरों ने परस्पर संधि कर ली और उन्होंने इंद्र द्वारा प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना को बड़े ही उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की। तत्पश्चात देवताओं तथा अत्यंत शक्तिशाली एवं लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले असुरों ने अत्यंत बलपूर्वक मंदर पर्वत को उखाड़ा और जोरों से निनाद करते हुए वे उसे क्षीर सागर की ओर ले चले। विशाल पर्वत को दूर तक उठाकर ले जाने के कारण राजा इंद्र, महाराज बलि तथा अन्य सारे देवता एवं असुर थक गए। पर्वत को ले जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने उसे रास्ते में छोड़ दिया। यह पर्वत जो मंदर के नाम से विख्यात था, अत्यंत भारी था तथा सोने का बना था, वही गिर पड़ा और इससे अनेक देवता तथा असुर कुचले गए। देवता तथा असुर हताश तथा विक्षुब्ध थे और उनकी भुजाएं, जांगे तथा कंधे टूट गए थे। अतएव गरुड़ की पीठ पर सवार सर्वज्ञ भगवान वहां पर प्रकट हुए। यह देखकर कि अधिकांश दानव तथा देवता पर्वत के गिरने से कुचले गए हैं, भगवान ने उन सब पर अपनी दृष्टि दौड़ाई और उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए और उनके शरीरों के घाव भी जाते रहे। फिर भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तब स्वयं वे भी गरुड़ पर सवार हुए और देवताओं तथा असुरों से घिरे हुए क्षीर सागर चले गए। तत्पश्चात पक्षी राज गरुड़ ने अपने कंधे से मंदर पर्वत को उतारा और वे उसे जल के निकट ले गए। तब भगवान ने उससे उस स्थान से चले जाने को कहा और वह चला गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा नामक 6वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।